हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार, आप जानते हैं आपके लिए हमेशा के लिए पार्ट टाइम एंड फुल टाइम जॉब को रेगुलरली लेके आता रहता हूं। आज आपको इस वीडियो में ऐसा काम लेके आया हूं जिससे 4 वेबसाइट का यूज करके आप बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हैं, वो भी डॉलर में अर्निंग कर सकते हैं। क्या क्या काम करना पड़ेगा, किस प्रकार से काम करना पड़ेगा, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, उनको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। जब तक चलिए सबसे पहले हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं सी पी ए ग्रुप, इसमें इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। वहाँ पर डालने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा, नाम, लास्ट नाम, इसमें कंपनी, इसमें वेबसाइट, इसमें स्ट्रीट एड्रेस, इसमें नीचे को आपको सिटी डालने को बोलेगा, इसमें स्टेट डालने को बोलेगा, इसमें पोस्ट कोड, आप कौन सा मोबाइल नंबर, और चूज टाइम वर्क या पासवर्ड, ऊपर वाले में ईमेल अकाउंट। चलिए इसमें ये सारा कुछ बताना पड़ेगा, चलिए मैं इसमें हमको डाल लेता हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसमें ये चीज़ दिखाना जरूरी है, जरूर नहीं है, इस वजह इसको हमको ब्लर कर देते हैं। और करने के बाद पूरा कुछ करने के बाद में रजिस्टर्ड नाउ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर नीचे हमको चेक बॉक्स के चिन्ह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने चेक बॉक्स नहीं किया। इसको हम क्लिक कर लेते हैं, फिर से रजिस्ट्रेशन करते हैं, और मैं आपको बिल्कुल स्किप करके नहीं दिखाऊंगा, जो क्या क्या होता है सारा कुछ इसमें दिखाऊंगा। अब यहाँ से ये रजिस्ट्रेशन हो गया है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अब आपको सेव पासवर्ड कर सकते हैं, नेवर कर सकते हैं, मैं सेव कर लेता हूँ। इसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा, आपको यहाँ डेस्कटॉप दिखाई देगा और यहाँ इस प्रकार की चीज़ दिखाई देगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम पीछे जीमेल पर जाते हैं, जो हमारा जो मैसेज गया था उसको हम रीड करते हैं। देखो मैसेज क्या आया था, अब यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सीपीए ग्रुप अकाउंट अप्रूव, यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसका ये लिंक आ गया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ की ओके करते हैं, ओपन करते हैं, तो आपको ये पब्लिशर ईमेल वैलिडेटेड, मतलब ये सक्सेस आपका हो गया है, आपका अकाउंट एक्टिवेट पूरी तरीका से 100% हो गया है। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार का आपको डेस्कटॉप दिखाई देगा, आप रेफरल प्रोग्राम, उसको 5% कमीशन हमेशा के लिए आप पाओगे, कोई भी आप काम करता है, कोई भी आप रेफरल कर देते हैं तो आपको रेफरल से भी अर्निंग हो जाती है, और वहाँ पर करने से और एक पार रजिस्ट्रेशन भी आसानी से हो जाता है। अब वहाँ क्लिक करने के बाद में अब हम इसे नहीं करेंगे, ऑफ़र वैलेट पे जाते हैं, ऑफ़र वैलेट को देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है इसमें। हम ये हो गया होम टूल लॉगिंग, अब लॉगिंग हम किस प्रकार से करते हैं, यहाँ से हम लॉगिंग करते हैं, तो जो पब्लिशर लॉगिंग है इस पर करने के बाद में चेक बॉक्स करने के बाद और ये यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब हमको सीधा क्या करना है, अब यहाँ से ओपन हो जाते हैं, अब हमको प्रमोट करना है, किस प्रकार से प्रमोट करना है, चलिए अब हम उस चीज़ को बताते हैं। पहले हम जाते हैं ऑफर्स टूल में, ठीक है, ऑफर्स टूल में गए, फिर हम माय ऑफर में जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करने का आपको इस प्रकार का इंटरफेस होगा, या इंडिया है, हम इंडिया के जगह पे अदर कोई स्टेट डाल देते हैं, हम डाल देते हैं यूनाइटेड स्टेट, मतलब कि अमेरिका, यहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू होता है और वहाँ पर इंडिया में बहुत कम डॉलर मिलता है। ये देखिए आप यहाँ पर $38, यहाँ $2.05, यहाँ 2.0, सिर्फ करना क्या है, यहाँ पर ये आपको क्लिक करवाना है, क्लिक करवाना, जैसे को कर लेगा, खोल कर देख लेगा, अपने जीमेल से खोल कर देख लेगा, तो आपको इतना डॉलर मिल जाएगा। अब क्लेम कोरा प्रोडक्ट, ये अपना प्रोडक्ट का लिंक है, जैसे कोई साइट को प्रमोट करवाना चाहते हैं जब इस साइट पर डालते हैं, तो ये है अमेरिका से, वहाँ से इतना सारा रेवेन्यू जनरेट होता है। आपको दूसरी साइट पर जाना है appbio.link, इस पर आपको जाना है, इस प्रकार का आपको इंटरफेस होगा, यहाँ पर अपना फ़ोटो डिजाइन में जाके स्टेटस अपना फ़ोटो डाल दीजिए, और वहाँ पर जो लिंक है उसको लिंक कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर क्या डालना है, यहाँ पर उस प्रोडक्ट का आपको URL डालना, जैसे यहाँ पर हमने क्लेम में कोरा प्रोडक्ट दिखाई दी, यहाँ कॉपी करना पड़ेगा, इस लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं, आप सीधे हम उस वाले जो बायो लिंक बना बनाया है इसकी URL पर डाल देते हैं। बायो लिंक क्या काम करता है, एक चीज़ को आपकी जो लिंक है उसको शॉर्ट कर देता है, जहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता है, हर जगह पर यूज हो जाती है, क्योंकि फेसबुक या डाट लिंक को हमको प्रमोट नहीं कर सकते हैं, डाट लिंक को हम नहीं भेज सकते, तो इस प्रकार से हम बहुत ही अच्छा ऐसी चीज़ बनाएंगे कि हर आदमी हर तरीका से इसमें क्लिक करेगा ही करेगा।
देखिए हम दोबारा से डालते हैं, इसको नहीं लिया है डाट, डाट हमने करके देखा था, इस वजह से हम डाट जैसे इस वाली चीज़ पर हम इसको डाट पोस्ट नहीं कर सकते, डाट लिंक को यहाँ पर नहीं कर, इस वजह से इसमें दिखा रहा है कि आप डाट पोस्ट को, डाट लिंक को आप यहाँ पर नहीं ले आ सकते। अब हम दूसरी साइड पर चलना पड़ेगा, हम किस साइड से हम लेके आएंगे, चलिए चलते हैं यहाँ से, जैसे हम लिंक कॉपी करते हैं एक बार और दिखा देता हूँ। तो अब हमको कहाँ चलना पड़ेगा, दूसरी साइड जो यहाँ पर है, यहाँ से आप कोई गिब्बे फ़ोटो वगैरह यहाँ से डाल सकते हैं जो कोई आपकी साइड अच्छी लगे। अब यहाँ से हम साइड पर चलते हैं जिसका नाम है टिनी यूआरएल। टिनी यूआरएल एक ऐसी चीज़ है जो उसको बहुत ही छोटा यूआरएल बना देती है। देखो यहाँ पर हम जाते हैं उस लिंक को जो आपने कॉपी किया था, वहाँ हमने इसको क्लिक कर देना है, इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, सिर्फ गूगल से करना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पर करने के बाद में मेक अब नीचे टिनी यूआरएल जैसे यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। ये दोबारा से हम लेके चलते हैं, आपको समझना कौन सी लिंक है, ये यहाँ पर नहीं, फिर हम और पीछे को चलते हैं, कौन सी है सीपी ग्रिप, यहाँ पर जो हमने कॉपी लिंक किया था, इस कॉपी लिंक को हम उसी जगह पर डालते हैं जहाँ पर टिनी यूआरएल है, यहाँ पर जैसे हमने डाल दिए, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद मेक यूआरएल इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद अब आपको वो कॉपी कर लेना जो आपको टिनी यूआरएल हो गई, छोटी यूआरएल हो गई, यहाँ पर आप डाट पेस्ट पेस्ट कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर ये सक्सेसफुल हो गया, और सेव पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर ये आ गया। इस प्रकार से जैसे इस साइट पर एक लिंक नहीं, हम कई सारे जो दे रखे हैं एक ही बार में हम कई सारी प्रोडक्ट को हम इसमें लिंक को कर लेते हैं। चलिए हम दूसरा एक हो गया, अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, कौन सा हमको डालना है, चलिए हम क्लेम योर कंट्री इसकी डाल लेते हैं, उसका नाम जो लिखा हुआ है ऊपर ये वाला नाम, इसको हम सीधे जाके इस नाम को तो हम उसी में आप डाल देते हैं। यहाँ पर ऐड नाम कोई दिक्कत नहीं, नाम हम डाल सकते हैं। अब गए हम लिंक की तरफ जाते हैं, समझना धीरे से, अब हम लिंक पर गए, यहाँ हम कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद में हमको टिनी यूआरएल में जाना है, वहाँ से एक बार रिफ्रेश कर देते हैं हम, जहाँ पर एक रिफ्रेश हो जाता है तो वो जो पहला होगा वो साफ हो जाएगा। हम दूसरे को पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद में आप टिनी यूआरएल इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में ये आपका शॉर्ट हो गया, इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में फिर से हम दूसरे उसी साइट पर आते हैं जिसका नाम है बायोलिंक। बायोलिंक के ऊपर हमको क्लिक कर देना है, क्लिक यहाँ कर लेते हैं, और जी यहाँ जो फ़ोटो लगाना है आप फ़ोटो लगा सकते हैं। चलिए हम कोई सा फ़ोटो ले लगा लेते हैं जो अच्छा लगे दिखने में हमको, क्योंकि हमको ये बहुत छोटा वीडियो बनाना है। और यहाँ सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद हम चार पांच प्रोडक्ट, पांच सात को चीज़ को हम निकाल कर रख लेते हैं। इसी प्रकार से हमको कर लेना है, और भी हमको चाहिए तो और भी हम इसी प्रकार से लिख लेते हैं, कर लेते हैं। और जो गिव फ़ोटो दिखाई दे रहा है उसको हमको जो पीडीएफ में जाके, जो हमको क्रोम पर जाके उसका हम पीडीएफ ले लेते हैं। और हमको जीआईएफ बनाना है, ध्यान रखना हमको जीआईएफ कैसे बनाना है, क्रिएटिव डिजाइन पर गए, यानी कैनवा है इस पर हमको जाना पड़ेगा, कैनवा, इसमें क्रिएट डिजाइन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। चलिए हम क्रिएट डिजाइन के ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ कस्टम साइज आपको दिखाई दे रहा है नीचे, कस्टम साइज के ऊपर हम क्लिक करते हैं, किस प्रकार से वीडियो बनाते हैं सारा कुछ मिलेगा इसमें, 1080 डाल दीजिएगा आप। क्रिएट न्यू डिजाइन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। और जी क्लिक करने के बाद देखिए आपको किस प्रकार का इंटरफेस शो होता है, आप बारीकी से समझिए, यहाँ बहुत ही आपको समझने वाली बात है, अच्छे से समझना पड़ेगा अन्यथा आप बना नहीं पाएंगे। एक बार आपने अच्छे से समझ लिया बहुत ही अच्छे से जनरेट कर पाएंगे। यहाँ पर गए एलिमेंट पर जाते हैं, चलिए पहले हम अपलोड पर जाते हैं, जो अपलोड हम लोग जो यानी कि हमने जो मोबाइल का उसमें लिया था, आईफोन लिया था, मोबाइल को हम इस प्रकार से कर लेते हैं। यहाँ पर हमको अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, जहां अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद में जहां देखिए क्रिएट जो लिंक इस प्रकार से हमने ये अपलोड करके बनाई है, और जहां पर आसानी से धीरे से आप बना सकते हैं। चलिए हम इसके ऊपर गए, इसके ऊपर जाने के बाद यहां पर हम क्लिक करते तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, देखो एनिमेशन पर जाते हैं, एनिमेशन जाने का आपको फ्री आपको ये भी कर लेना है, इसी में आपको दिखाने के बाद हम एनिमेशन कोई सा यूज कर लेते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से ये हो जाता है। और एनिमेशन ये डिज़ाइन हमको लगा लेना है,
क्योंकि इसे कैनवा एप्लीकेशन को सब लोग आसानी से चला लेते हैं। अब उसमें क्या करना है, कॉपी लिंक करना है और जी सेव जो सेटिंग है, सेव डाउनलोड सेटिंग, इसके ऊपर हमको क्लिक कर लेना है। और कुछ आपको सीखना है, अपलोड फाइल पर चले गए और आपको डीपली की तरीक़ा से मैं समझा देता हूँ। ये वीडियो बनाना बहुत ही आसान है, इसमें आप एक दो बार देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमको यहाँ पर करना है JPG यानी कि GIF बनाना है। GIF बनाने के बाद सेव डाउनलोड सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ये हमारा एक GIF बन जाता है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन से, इसमें बहुत ही छोटा होता है। हम किसी भी GIF कहीं पर डाल सकते हैं और वहाँ से जो आदमी क्लिक करेगा ही करेगा, जितना क्लिक होगा उसी हिसाब से जो आपका आएगा लिंक आएगा, आपकी लिंक दिखाई देगी और आपकी इनकम बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ से सेव हो गया है। सेव करने के बाद अब आपको जाना है दूसरी वेबसाइट पर, यानी कि हमको और लगा लेना है, जो जितनी चाहें आप जितनी लगा सकते हैं इसमें, और अपनी डिजाइन है अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ध्यान रखिए 1080 इसकी साइज ही रहेगा, उसी साइज से रखना है, उसमें साइज कम बेसी नहीं करना है, अन्यथा नहीं चलेगा। GIF बनाना है जो चिलकता मिलकता दिखाई देता है आपको, इस प्रकार की डिजाइन है। क्लिक द सोर्स लिंक, आपको ये टेक्स्ट में जाके ये लिखना पड़ेगा और जो एरो लगाना पड़ेगा, एनिमेशन एरो लगाना पड़ेगा, जिससे चलता हुआ दिखाई देगा, आपको अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। और इसी प्रकार से ये आप GIF मेकर बन गया। अब इसको आप डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होने के बाद अब आपको दूसरी साइड पर चलना, GIPHY एक नई साइड है, इसका आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है, आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्टर करने के आप GIF चूज द फाइल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जहाँ पर आपने GIF बना रखी है आप वहाँ पर जाके आपको क्लिक करना होगा। चलिए हम उसी जगह पर जाके क्लिक कर लेते हैं, रन आते हैं तो इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, आपको चलता हुआ दिखाई देगा। चलिए हम उस तरीका पे आते हैं तो अब क्या आपको देखो दिखाई देता है, आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप देखने को सारा कुछ मिलेगा। आपने ये वीडियो देख ली तो आप अच्छे से GIF आसानी से बना सकते हैं और उसमें लिंक डाल के बहुत ही अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, चलिए खुल रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा साइड है तो आपको खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको लोडिंग लेता है क्योंकि आपका नेट सर्वर अच्छा होता है। तो अब ये अब खुल गया है, आपको ट्रिम योर वीडियो, आपको ये दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, एड्स लोगो, आपको कोई लोगो लगा लेना। चलिए आईफोन, हमको आईफोन 13 लगा लेना, आईफोन 14, और इसको ये टैक्स लगाना है, टैक्स इसको हमको ओके कर देना, एंटर दाब देना, ये ओके हो गया। एक और लगा सकते हैं हम, कोई सा लगा सकते हैं, उसको भी करने के बाद में हम गिव अवे लगा देते हैं और यहाँ पर भी हम एंटर मार देना, तो ये दो हमको लिंक ये लग जाता है, आपको टैक्स लग जाता है। अब अपलोड फाइल के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अब आपको देखिए, देखो एक वीडियो हम किस प्रकार से लगा देते हैं, ये भी आपको आसानी से पता लग गया है। अब यहाँ पर ये लगाने के बाद ये साइट क्या करती है, GIPHY, ये साइट पर बहुत ही अच्छा ट्रैफिक रहता है, अमेरिका से ट्रैफिक आता है, विदेशों से अच्छा खासा इस पर ट्रैफिक चलता रहता है और उसी पर जो आप क्लिक करता है उसी से आपकी अर्निंग होती है। जैसे इस प्रकार से आपको टैटू वगैरह ये चीज़ दिखाई देती है, चलते हुए दिखाई देती है, भाग दौड़ दिखाई देती है, हालते हुए आपको स्टिकर्स दिखाई देते हैं, उसी स्टिकर पर क्लिक करते हैं, वहाँ पर लिंक लगा लेते हैं। लिंक लगाने के बाद में आप डेली के आपको 10 कम से कम को इस प्रकार से बनाना है, क्योंकि डेली आप बनाते रहोगे तो आपका अच्छा खासा जो जनरेट होता रहेगा, क्योंकि एक दो डालोगे नहीं आएगा और वहाँ पर डालने के बाद में आपका बरकरार रेवेन्यू आता रहेगा और आपकी अच्छी खासी अर्निंग होती रहेगी। चलिए अब हम दूसरा आपको बता देते हैं करके, आप यहाँ पर गए अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना होगा। अपलोड फाइल क्लिक करने के बाद में आपको GIF दिखाई देगा, चूज फाइल इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अच्छे से समझ लीजिए, दूसरी बार बता रहा हूँ। अब आपको जो आपको फ्री जो आपने वीडियो बनाई थी उसको आपको क्लिक करना, क्लिक करने के बाद में आप टाइमलाइन जो आपको चल रहा है इस प्रकार की वीडियो दिखाई देगी। अब आपको क्या करना है, जो आपका URL है, URL कौन सा डालना है, वही URL डालना है जहाँ पर आप गए थे, जहाँ पर इसमें
ये आपको कॉपी लिंक, ऊपर वाला कॉपी लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बायो लिंक जो बना हुआ है उसमें सारी लिंक पड़ी हुई। आप ऊपर वाला लिंक करने के बाद में आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा। यहाँ पर पेस्ट हो गया, आपको सेव कर लेना होगा, और वहाँ पर जो आपको टैक्स डाले हैं वहाँ पर कोई सा आपको टैक्स डाल देना पड़ेगा, क्योंकि हमने 13 डाला था, इसमें 12 डालते हैं। अब एंटर मार देते हैं, एक बार हमको और डालना है, गिव अवे डालना है, उसके बाद में हमको एक बार और एंटर मार देना है। एंटर मार के क्लिक करने के बाद दो आपका पूरा हो गया। अब जी यहाँ पर आपको लिंक लगा दी, अब अपलोड टू गिव अवे जी आई एच एफ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये आपकी कंप्लीटेड हो गई है, और दो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। इस साइड पर ट्रैफिक ऑटोमेटिकली बहुत सारा ट्रैफिक रहता है, विदेशों से ज़्यादा ट्रैफिक आता है, और आप जानते हैं एक बार उसने क्लिक कर लिया तो आपको $2 अर्निंग होगा। इस प्रकार से अर्निंग हो, बहुत सारे लोगों ने इस पर डाल के रखते हैं, इसी प्रकार लगाते हैं। चलिए वीडियो कैसा रहा, अच्छा रहे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत।